ये बहन तो चूतिया है। एक टेंपल है यहाँ का, बताते हैं जब शिवा भगवान भोले बाबा जब माता सती को लेके चले थे तो जो ये खंबा से आता तो एकदम स्पीड बढ़ जाती है इसकी। और एक केबल कार मिलेगी, लाइन काफी लंबी लगी हुई है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। अभी मैं हूँ नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में जो कि कैपिटल सिटी है नेपाल की। और आज हम जा रहे हैं चंद्रगिरी हिल्स। चंद्रगिरी हिल्स यहाँ से तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर है, तो हम कैब करने वाले हैं या फिर बस से जाने वाले हैं। जैसे भी जाएंगे, जितना भी खर्चा होगा, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप वीडियो पूरी देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं अपन चंद्रगिरी हिल्स। तो भाई गाड़ी हमने कर ली है यहीं से, हमें रोड पे ही मिल गई थी गाड़ी, तो चलते हैं चंद्रगिरी हिल्स। आप हमें वहां तक लेके जाओगे ना, केबल कार मिलती है जहां तक? हाँ, तो भैया हमें लेके जाएंगे वहां तक जहां से केबल कार मिलती है चंद्रगिरी हिल्स पे जाने के लिए। और भैया ने हमसे लिए हैं 800 रुपये एक साइड के, और आने जाने के भैया बोल रहे थे 2000 रुपये कि भैया वेट भी करेंगे वहीं पे हमारा, 2-3 घंटे जितने भी लगेंगे। तो पर हम आते टाइम बस में आएंगे, क्योंकि अगर हम बस में आएंगे तो आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अगर गाड़ी से जाना है तो गाड़ी से कैसे जाना है, और बस से जाना है तो कितना किराया लगेगा और कैसे जाना है। तो आप लोगों को दोनों पता लग जाएगा वीडियो में ही। तो चलते हैं चंद्रगिरी हिल्स और मिलते हैं आपसे। तो भाई हमारा जो हॉस्टल है वो है कलधारा में, और जो हमने कैब की है वो हमने अपने हॉस्टल के जस्ट पास से ही की है, कलधारा में जो थामेल में है। तो यहाँ से जो चंद्रगिरी हिल का डिस्टेंस है वो तकरीबन 16 किलोमीटर के करीब है, 15-16 के करीब है। तो वहाँ तक के ही हमारे 800 रुपये लग रहे हैं ना। तो आप जाना चाहो तो यहाँ पे एप्लीकेशंस है, जैसे इन ड्राइव है, पठाओ है, तो आप उससे भी बुक करके जा सकते हो। सिमिलर ही है वैसे रेट तो, और वैसे लोकली भी बुक कर सकते हो, और 800 रुपये लग रहे हैं। बस में अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है काफ़ी कम लगे, क्योंकि हम जब गए थे बख्तापुर दरबार स्क्वायर, आपने वीडियो देखी होगी, तो वहाँ के हमारे 1000 रुपये लगे थे गाड़ी से जाने के, और आने में हमारे 100 रुपये में ही काम हो गया था बस से। तो अगर आप सस्ते में जाना चाहो तो बस में भी जा सकते हो, पर हम इसीलिए गाड़ी से जा रहे हैं कि आपको बता सके, और आते टाइम हम बस में आएंगे वो भी इसीलिए कि आपको बता सके पूरा कि भाई आप कैसे जा सकते हो, कैसे आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चंद्रगिरी हिल्स, ये देखो ऊपर चंद्रगिरी हिल्स, और गाड़ी ने हमारे लिए जो 800 रुपये, क्या सेक्सी व्यू लग रहा है। और यहाँ से जो है, यहाँ से केबल कार मिलेगी, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है ऑलरेडी। तो देखते हैं कितना समय लगेगा और कितने पैसे लगने वाले हैं हमारे टिकट के। लाइन काफ़ी लंबी ऑलरेडी लगी, कुछ खा लें पहले, भूख लग रही है ना। और फ्रेंच फ्राइज ही 200 के सिर्फ फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज थोड़ी ना खाऊंगा, भूख मिटानी है, फ्रेंच फ्राइज थोड़ी ना खाने हैं यार। तो चलते हैं और बताता हूँ आपको कि भाई कितने पैसे लगने वाले हैं। अपने जो रोप वे की है वो कितने लगेंगे, और गाड़ी से आए हैं तो 16 किलोमीटर के तकरीबन 800 रुपये लिए हैं भैया ने हमसे। तो बाकी अभी रोप वे की टिकट ले लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे और दिखाता हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, मैं खड़ा हूँ चंद्रगिरी हिल्स पे, तो यहाँ से पीछे आप देखोगे तो पूरे काठमांडू का व्यू दिखता है भाई। मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से काठमांडू का। अगर आप आ रहे हो तो एक नेचुरल ब्यूटी, अच्छी और एक बढ़िया व्यू के लिए आप डेफिनेटली आ सकते हो। और बाकी अभी ऊपर जाएंगे यहाँ से तो कितना टाइम लगने वाला है, कितने पैसे लगने वाले हैं अपने, और कितना दूर है वो सब मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। तो वीडियो आप पूरी देखना। और ये सामने पीछे ही अपने है जो, ये पूरा काठमांडू का व्यू है, देखो कितना सही लग रहा है यहाँ से व्यू। मतलब पूरा काठमांडू दिख रहा है, ऊपर पूरी पहाड़ी, सब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। और यहाँ से जो है हमें मिलेगी जो टिकट है, रोप वे की टिकट, वो मिलेगी। तो चलते हैं और ले लेते हैं टिकट। तो जो भाई टिकट प्राइस है यहाँ का वो है 1280 रुपये दोनों साइड का, और एक साइड की टिकट अगर आप लेते हो तो उसका है 760 रुपये, और नेपाली रुपीज़ में है NPR में, मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपये के करीब है इंडिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो। और लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है ऑलरेडी, और 12 से लेके 1 बजे तक के बीच में लंच होता है, जो टिकट का है काउंटर बंद हो जाता है। और इधर भी पूरी लाइन लगी हुई है, और इधर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो रोहित लग चुका है और लेते हैं टिकट,
और दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है जो टिकट काउंटर आ चुका और टिकट प्राइजेज है जो उधर लिखे हुए पूरे आप देख लो। अभी हम ले रहे हैं दोनों साइड की बोथ वेज जो है 1280 की। और देखिए बिन की और भी महंगे, फॉरनर्स की $22 और चाइनीज़ की $15। तो भाई टिकट हमने ले ली है अपनी, ये नीचे टिकट है और ये है जो एंट्री पास है जैसे मेट्रोज में होता है, इसमें स्कैनर लगा हुआ है QR कोड, तो ये स्कैन होगा अभी ऊपर। और ये हमारी टिकट 1280 रुपये की दोनों साइड की है जो। तो भाई हम जा चुके हैं ऊपर और यहाँ पे टिकट चेक हो रही है हमारी। हाँ हाँ यहाँ पे स्कैन होगी टिकट। लो जी यहाँ पे इन्होंने पंच की है और अभी आगे यहाँ पे इसको टैप करके और निकलना पड़ेगा। इधर जा रही है केबल कार। यहाँ से भाई एंट्री हो चुकी है हमारी, टिकट चेक हो चुकी है ये QR कोड से और इधर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो भाई हम बैठ चुके हैं। तो भाई हम बैठ चुके हैं रोपवे में, एक रोपवे में 8 लोग बैठे हैं। हम दोनों कॉर्नर पर काफी स्पीड से चल रहा है ये, वैसे एकदम तो भाग लिया है तो बढ़िया स्पीड से भाग रहा है। दिक्कत क्या है इसमें तो यहाँ भी सुनोगे, इसमें दिक्कत क्या हो रही है, जैसे ये आती है ना ये खंबा से आता तो एकदम स्पीड बढ़ जाती है इसकी है ना, और एकदम ऐसा लगा कि पता ना कितनी तेज भगा रहे हैं अब तो ये। अभी तो बहुत ऊपर है वो, लग ही रहा है यही आ गया, बड़ी स्पीड से भगा रहे हैं, लग तो ऐसे ही रहा कि आ ही गया तो ये वाला काफी तेज चला के ला रहे हैं। स्लो चल रहा है। अच्छा ये और भी स्लो है, ये बहुत स्लो है, मनोकामना वाला ज्यादा फास्ट है वो। ओके फास्ट इससे, वो इससे लंबी राइड है पर है। हां लेकिन इससे लंबी राइड है पर फास्ट है वो। अच्छा इजी है वो तो, मतलब कोई मनोकामना में है जो है वहाँ टेम्पल है कोई, फिर वैसा देवी टेम्पल है तो वहाँ बलि होती है ना। सही है भाई, ये यहाँ भी एक टेम्पल है शिवा टेम्पल, तो वो भी दिखाएंगे। ये देख लो भाई पूरा कार्नर को दिख रहा है यहाँ से, कितना जबरदस्त लगा, ऐसा लग रहा है रुक गई भाई, हो रुक गई क्या है, स्लो गई है, स्लो नहीं होगी रुक गई, रुक गई है, आप चलिए दोबारा से, रुक गई थी ना बाबा, ट्रैक करके जा रहे हैं, रुक गया था, नहीं नहीं चल रहा है, मेरे को लग रहा है नहीं, वो स्लो हो गया था। ये रास्ता है जाने का, सही है यार, ये ज्यादा अच्छा रहा, अच्छा मजा आता है, मजा आ जाता है इससे। अच्छा पैदल वाला रास्ता ये हो रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा भाई, अपने बस की तो बात ना है, ऊपर जो ट्यूबे करा ली। तो भाई हम आगे ऊपर अब, अच्छा यहीं से बाहर है, आजा आजा। यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 15 मिनट का समय लगा, नीचे से ऊपर आने में रोप वे से, भाई क्या स्पीड से आ रहा है, और ये मतलब व्यू क्या सेक्सी व्यू है, मतलब ये मज़ेदार है। आप एक काम कर सकते हो कि जब आओगे तो आप रोप वे से आ जाओ और जाते टाइम पैदल का रास्ता चुन लो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है ना, एक साइड रोप वे से आ जाओ और एक साइड पैदल चले जाओ। ये भाई चंद्रगिरी का पूरा मैप है जो इसमें 4 पॉइंट्स हैं अपना, ए 5 है, ये बटम स्टोन, बटम स्टेशन जहाँ से हम अभी आए हैं उतर के, उसके बाद टॉप स्टेशन मतलब जहाँ से सॉरी जहाँ से चढ़े थे वो बॉटम स्टेशन, फिर ऊपर वाला जहाँ पे उतरे हैं, उसके बाद बालेश्वर मंदिर, उसके बाद व्यू पॉइंट और उसके बाद हॉल कन्फेशन हॉल। और इसकी जो हाइट है वो है 2551 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ओह आ जाओ भाई आप भी आ जाते नीचे से, अगर स्टेयर से आते तो आ जाते हम तो, भाई हमारी तो हालत खराब हो जाती है, हम तो जब भी स्टेयर से, हम एक बार वहां गए थे अभी नागालैंड तो जूको वैली का ट्रैक है 14 किलोमीटर तो वो किया हमने, हमारी तो फटके चार हो गई भाई, इतनी हालत खराब हुई क्योंकि स्टेयर्स पे नहीं चढ़ा जाता, सीधा रास्ता हो तो फिर भी चढ़ जाते हैं, सही कह रहे हैं, पर जीना नहीं चढ़ा जाता फिर। अब तो बस पहुंच ही गए, वैसे भी रैंप ही है थोड़ा सा नीचे से, तो बस ऊपर अच्छा मंदिर है, हाँ मंदिर ऊपर एक यहाँ का बताते हैं कुछ, हाँ नहीं एक टेंपल है यहाँ का बताते हैं, जब शिवा भगवान भोले बाबा जब माता सती को लेके चले थे तो जो उनके टुकड़े हुए थे ना जो, तो उनका जो सिर था वो यहाँ पे गिरा था। अच्छा शक्तिपीठ था, हाँ तो ये एक तरह से शक्तिपीठ ही हो गया ये भी, हाँ जो 51 शक्तिपीठ है वो उसमें एक ये भी होता है,
मैंने जैसे सुना और वीडियोस कुछ देखी है मैंने, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ गलत है तो आप मेरे को बता भी देना कमेंट्स में कि भाई ये सही है और ये गलत है। तो भाई एक जिप लाइन उधर है जो प्रॉपर जिप लाइन होती है, जैसे इंसान को लटका के जिप लाइन पर लेके जाते हैं वो है, और ये साइकिल वाली है, ये इस पे साइकिल पे बिठा के और इस तारों के ऊपर से लेके जाते हैं। और जो ये वाली जिप लाइन है, ये इसकी जो हाइट है वो नेपाल की सबसे ज़्यादा हाइट वाली जिप लाइन है ये वाली। तो अगर आप कभी आओ तो यहाँ आ सकते हो। 2551 मीटर की इसकी हाइट है सी लेवल से जिप लाइन की। और इधर मेरे पीछे ही मंदिर है और एक साइड व्यू पॉइंट है जहाँ से एवरेस्ट व्यू पॉइंट है जो वो दिखता। और एक चीज़ की काफ़ी मान्यता है यहाँ पे कि आप कोई भी विश मांगोगे तो वो पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने ऐसे ताले बांधे हुए हैं। आप देख सकते हो सभी पे सभी का नाम लिखा हुआ कुछ ना कुछ। ये देखो देखो पवन समझ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, दीपेश को वापस चाहिए। ये देखो क्या लिखा, दीपेश को वापस चाहिए। मतलब अपनी अपनी विशेष लिख के सभी ने लिखी हुई है यहाँ पे इस तरीके से। और जो मंदिर की हिस्ट्री है वो मैंने आपको बता दी, और एक दोबारी प्रॉपर से दोबारा से बता दूंगा मैं कि क्या हिस्ट्री है। तो अभी चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं पहले और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा से। तो भाई यहाँ पे फूड काउंटर भी है, अगर आप आ रहे हो तो बढ़िया खाना पीना खा सकते हो अपना, क्योंकि हम नीचे से कुछ खा के नहीं आए तो यहीं खाएंगे अब कुछ ना कुछ। किधर? अच्छा टिकट काउंटर उधर है। और ये सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, इसके बारे में मैं अभी बता दूंगा आपको। एक बारी खाना खा लूँ, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी तो अच्छे से बता पाऊँगा। थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए क्योंकि बिल्कुल भूखा घूम रहा हूँ जल्दी आने के चक्कर में। और जब भी आप आओ तो थोड़ा सा वेदर देख के आना कि वेदर क्लीन हो तो आना, क्योंकि यहाँ पे से जब भी व्यू मिल पाएगा आपको, अदरवाइज़ पूरा फोगी रहेगा तो कुछ देख ही नहीं पाओगे, आने का टाइम वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे साथ में। तो भैया हमने खाने के लिए लिया है एक फ्रेश फ्रूट और मोमो और नूडल। मतलब रेट है जो वो काफ़ी नॉर्मल है, इतनी ऊपर आके क्या होता काफ़ी महंगा कर देते हैं, पर यहाँ के हिसाब से क्योंकि नेपाली रुपीज़ में जो है करेंसी में है तो काफ़ी नॉर्मल है। तो खा लेते हैं पहले कुछ और उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे, फिर बताता हूँ सारी चीज़ें। और बहुत सेक्सी व्यू है, वीडियो आप पूरी देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो देखते रहो। और हाँ वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक कर दो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लाइक कर दो। ये बन रही भाई मेरी चाउमीन यहाँ पे, फ्रूट सैलेड हमारी आ चुकी है। ये हो गया भाई अपना खाना तैयार, बढ़िया पूरी थाली सजा ली अपनी। ये देखो रोहित भाई साहब साफ बन के बैठ जाता है हर बारी। भाई जो चाउमीन है ना उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, और रोहित के मोमोज भी ठीक है ना, मोमोज भी काफ़ी अच्छे हैं। बट भाई कह रहा जो कॉफ़ी है ना वो फुद्दू है, वो फुद्दू है, मैं कॉफ़ी पीता ही नहीं हूँ कभी वैसे भी, तो अपने को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता फुद्दू हो या कुछ हो। तो भाई जितनी भी एक्टिविटीज़ है यहाँ सारी उसका ये प्राइस है, जो शॉर्ट जिप लाइन है बच्चों के लिए, बड़े वाली है जो मतलब वीडियो के साथ, फिर बड़ी जिप लाइन स्काई साइकिलिंग और ये सब। ये हम जा रहे हैं ऊपर व्यू के लिए, व्यू की जो टिकट है वो है 50 रुपये पर पर्सन। तो चलते हैं भाई व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं हम अभी। व्यू का कुछ नहीं पता, बाकी बताते हैं कि यहाँ से एवरेस्ट दिखता है क्योंकि बाइक में मोलर लगाया हुआ है, जो दूरबीन होती है वो लगाई हुई है यहाँ पे, अगर दिख गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोगों को दिखाई देंगे कि क्या कुछ सीन है कैसे जाना है। 50 रुपये मैंने बताई दिया, जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, और जहाँ से हमने खाने का काउंटर है जो जहाँ से टिकट ली थी खाने का पैसे दिए थे, वहीं पर आपको जिप लाइन के खाने का और व्यू पॉइंट की टिकट वहीं से मिलेगी, एक ही काउंटर है सब चीज़ों के लिए। ये देख लो भाई यहाँ से ये जो मंदिर है सामने, इसके बारे में मैं आपको एक बारी बता देता हूँ यहीं से, क्योंकि आपको पीछे दिख भी रहा होगा मंदिर। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जब माता सती को लेके भोले बाबा निकले थे, आपने देखा ही होगा जो शक्तिपीठ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो हिंदू धर्म में शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक शक्तिपीठ ये भी है जहाँ पे माता का जो मत्था बोलते हैं ये पोर्शन है जो वो गिरा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मंदिर बना है, इसका नाम है बालेश्वर करके है, बालेश्वर टेंपल मेरे ख्याल से, मैं बाकी अभी आपको कंफर्म कर दूंगा वीडियो में जो भी है नाम। तो ये हिस्ट्री है इसकी। और व्यू पॉइंट अभी बहुत बादल हैं तो कुछ दिख ही नहीं पाएगा, पर यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मेरे को दिख रहा है,
और आपको फोन पे भी दिख ही रहा होगा वैसे तो। तो भाई यहाँ से जो है दूरबीन लगाए हुए हैं इन लोगों ने, वो इसका कोई अलग से पैसा नहीं है, जो ₹50 हमने टिकट लिए व्यू पॉइंट की उसी में इंक्लूड है ये सब भी, ऐसा नहीं है कि इसके कुछ अलग से पैसे लगने वाले हैं। यहाँ से अभी हमारे को जो विलेजेस हैं सामने वो तो दिख रहे हैं काठमांडू के, क्योंकि बादल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि सामने का कोई व्यू दिख ही नहीं रहा है। बाकी बाकी यहाँ से एक चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को, मैं अभी देख रहा था जो सामने मंदिर है ना, इसकी जो चोटी है भोले बाबा का जो एक वो मुकुट सा रखा हुआ है वहाँ पे एक, तो वो देखने में बहुत सही लग रहा था। तो भाई ये था जो व्यू पॉइंट जहाँ से अभी हम देख रहे थे कि भाई कुछ दिख ही जाए कि पहाड़ वहाड़ कुछ जो एवरेस्ट है जो यहाँ से दिखता है, क्योंकि एवरेस्ट तो वो दिख ही जाए पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो भाई ये मंदिर है जो मैंने अभी अभी आपको बताया जिसके बारे में, शिव भगवान का, सामने ही नंदी जी महाराज विराजमान है। अंदर वीडियो नहीं बना पाएंगे पर जहाँ तक बना सकते हैं वहाँ तक तो आपको दिखाई देते हैं। ये देख लो ये सामने ही नंदी जी महाराज, बस अब अंदर चलते हैं और वीडियो बाद में मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद, जब तक हम दर्शन करके आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई कितने बड़ा घंटा लगाया हुआ है इधर। ये देखो भाई ये जो यहाँ के राजा थे जिन्होंने नेपाल को बेसिकली बसाया था एक तरीके से, मतलब इन्होंने राज किया था यहाँ पे, जो यहाँ के एम्पायर था नेपाल का, तो उसके राजा थे जो द ग्रेट किंग पृथ्वी नारायण शाह। ये देखो भाई इसमें भी सिमिलर लिखा हुआ है, रेफरेंस टू द डिस्क्रिप्शन रिटन इन हिमावत्य कांड, बालेश्वर महादेव रिपेंस द स्पॉट वेयर सत्या देवी फॉर हेड फेल्स ऑफ फ्रॉम द हेड बॉडी डेड बॉडी। तो भाई ये था चंद्रगिरी हिल जो मैं अभी आपको लेके आया, हमने अपने हॉस्टल से कैब की थी और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आए चंद्रगिरी हिल। तो ऊपर केबल कार आती है तो केबल कार के थ्रू आए भाई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आओ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आ रहे हो तो वेदर ज़रूर देख के आना। बाकी अभी हम चल रहे हैं वापस से नीचे की ओर, तो अपने जो है अप डाउन की ली थी केबल कार के टिकट, क्योंकि अप डाउन की थी 1280 के करीब थी मेरे ख्याल से, और एक साइड की 760 की, पता नहीं कितने की थी क्योंकि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बता ही दिया, तो आप वहां से देख ही लोगे तो आपको पता ही लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो भाई केबल कार हमारी भी आ चुकी है, अभी हम यहां से जाएंगे वापस नीचे, तो काफ़ी स्पीड से जाने वाली है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं ऊपर से वीडियो इसलिए बना रहा था कि आपको व्यू दिख सके, क्योंकि शीशा खराब है यहाँ का बिल्कुल ही, तो इसलिए खड़ा होके और भाई साहब की हालत ही टाइट होगी कि भाई डर लग रहा है, बैठ जा स्लो की पानी में खड़ा हो जाऊं तो डर लगता है, यहाँ खड़ा हो गया तो इसको डर लगता है, पता नहीं भाई यार कोई पागल ही होगा बोट में खड़ा होकर, बोट को ऐसे ऐसे हिला रहा बीच में, तो आदमी की तो फटेगी जो खड़ा हो रहा उसकी नहीं फटती, जो बैठा उसकी फट जाती है पर एकदम से भाई ये जिस स्पीड से भागी थी ना तो ऐसा लगा फरारी चल पड़ी एकदम से। एक दो तीन खड़े हो जाओ सारे। ये तो बहन तो चूतिया है। डाल दूंगा ऐसे ही डाल। इस बंदे से ज्यादा डर को जीने नहीं दे रहा, ये बार बार कभी खड़ा हो रहा है कभी कुछ कर रहा है, इस बंदे से ज्यादा डरता हुआ मैंने कोई नहीं देखा। डर लगता है, जिंदगी किसको प्यारी नहीं है, क्यों भैया जिंदगी प्यारी है भाई, तेरा तो क्या है जिंदगी प्यारी है, पर ये थोड़ी ना है कि इससे भी डरेगा बंदा। अच्छा ये कोई गिर थोड़ी ना, वो नहीं करते। आगे भाई आगे वापस आगे हम तो। हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस था तेरा? इसके कान मुंह सब सुन हो जाता है इसका रोपवे में जब भी आते हैं। भाई क्या हाल है? तो भाई अभी हम आ चुके हैं वापस नीचे, काफी तेज हवा चल रही है क्योंकि बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। आप इधर देखोगे तो पहाड़ी, पीछे मेरे पहाड़ी, चारों तरफ जो है पहाड़ी पहाड़ी है। अभी हम यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे रोहित भाई,
मैं चाय वाय पीता नहीं हूँ, बहुत कम चाय पीने का शौकीन हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप कि वीडियो आपको कैसी लगी, जो यहाँ का व्यू था कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको वीडियो देख के, क्या आपका भी मन करा वीडियो देख के कि हाँ भाई हम भी एक बारी घूम के आएँ। तो मेरे लिए वर्थ होगा वीडियो बनाना कि आपको इतना अच्छा लगा। तो वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी नेपाल आना चाहता है तो उनको हेल्प हो जाए, वीडियो शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में भोले बाबा के लिए हर हर महादेव जरूर लिखना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलेंगे फिर आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो जब तक जय श्री राम।